एवरीवन, सो मैं हूं भानु बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइन थॉट्स एंड लेट नाइन एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड गाइस, अगर आप ये हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन हीलिंग क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, अगर आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, टैरो सेशंस लेना चाहते हो, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस गाइडेंस मिल सके। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो अब अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और ड्यूरिंग द रीडिंग अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो लेट अस चेक, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव इज किंग ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, Three of Cups, beautiful Wheel of Fortune, Five of Cups, ठीक है। Next we have a Seven of Swords and bottom में देखते हैं, bottom में energy है Queen of Swords की, ठीक है। मैं भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके zodiac signs टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सारे जोडियक साइंस यहाँ पर है, सभी जोडियक साइंस के लिए रीडिंग रहेंगे, ठीक है। यानी ऑल 12 जोडियक साइंस यहाँ पर है। जैसे कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ वैंड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, और हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पर है, साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप जैसी एनर्जीज भी निकल कर आई है। ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे, देखिए सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर की जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा छोटा या लो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, आप सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हो, ओके, एंड आप काफी सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी लाइफ में। और ये चीज देखते हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कितने छोटे पड़ गए हैं आपके सामने, या आप इतने खुश कैसे हो जबकि वो इतने खुश नहीं है। देखो, उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपके पार्टनर ना अंदर से दुखी है, वो अंदर से परेशान है। अब वो खुद जब अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है, और वो देख रहे हैं कि आप कितने खुश हो अपनी लाइफ में, आप कितने हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज देखते हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना चाहते आपको भी दुखी देखना, ठीक है। उनकी ऐसी एनर्जी है जहां वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुश क्यों हो, आपको भी तो दुखी होना चाहिए, ठीक है, आप हैप्पी क्यों हो, आप इतने सक्सेस क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्यों ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्यों अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो आपको भी कहीं ना कहीं दुखी देखना चाहते हैं, उनकी ऐसी एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं। दे आर नॉट हैप्पी आपको खुश देखकर, आपको सक्सेसफुल होते हुए देखकर, इस समय उनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर वो खुश नहीं है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप उनसे भी आगे निकल जाओगे, यू नो, तो उस चीज का डर कहीं ना कहीं उनके अंदर है, जहां पर वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलो, और ये चीजें उनको ट्रिगर कर रही है। एंड यू नो व्हाट, आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं कि आपको परेशान करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको दुखी देखने के लिए,
ठीक है, हो सकता है, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट है, या फिर आप उनका स्टेटस वगैरह चेकआउट कर सकते हो, अभी तक ब्लॉक नहीं करा है उन्होंने आपको, या फिर आप उनके प्रोफाइल्स वगैरह को देख सकते हो इंस्टा फेसबुक एंड एनीवेयर, ठीक है, किसी सोशल साइट पर, किसी ऑनलाइन साइट पर। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जहां पर वो ना कुछ ऐसा कर सकते हैं आपका रिएक्शन देखने के लिए, वो ना आपका कोई ऐसा रिएक्शन देखना चाहते हैं जहां पर उन्हें ये चीज दिख जाए कि आप आज भी उनमें स्टक हो। ओके, वो कोई आपका ऐसा रिएक्शन देखना चाहते हैं। सो आपको कोई ऐसा रिएक्शन उन्हें नहीं देना है, क्योंकि लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है ना जहां पर वो खुद तो डिप्रेस है। अब पर्सन क्या है ना, अब पर्सन अंदर से खुद तो हील्ड है नहीं, अब जब वो खुद ही अंदर से हील नहीं फील कर रहे हैं तो वो आपको क्या देंगे, आपको हीलिंग एनर्जी तो वो नहीं दे सकते, है ना, तो वो आपको भी हील होने से रोकेंगे। वो एनर्जी यहाँ पर है जहां पर आप तो हील हो रहे हो, आप अपने सेल्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप इन चीजों पर फोकस करो, वो नहीं देखना चाहते आपको इंडिपेंडेंट, आपको खुश, आपको हैप्पी, यू नो दैट इज विद देयर एनर्जी। आप अब फोकस कर रहे हो अपनी फ्रेश स्टार्ट पर, आप एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, आप इस पर्सन से मतलब यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप इस रिलेशनशिप से ना बाहर आ जाना चाहते हो, ठीक है, आप मूव ऑन हो जाना चाहते हो उस रिलेशनशिप से, ठीक है, अब आप उनका इंतजार नहीं करना चाहते, आपने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत वेट कर लिया, एंड आपके पार्टनर, ठीक है, आपको स्टक्ड ही देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप यू इस तरीके से मूव ऑन कर यू ही निकल जाओ, ठीक है। उन्होंने एक पूरा मतलब वो ना तो पूरा एक ट्रैप कर सकते हैं या फिर कोई माइंड गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है, एंड ताकि वो आपका कोई रिएक्शन देख सके, कोई ऐसा स्टेटस डाल देंगे कि वो तो किसी और के साथ खुश है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, या अगर थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, हैप्पी है, कोई ऐसा स्टेटस डाल देंगे। क्यों डालेंगे? आपको हर्ट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको वापस अपनी याद दिलाने के लिए, ठीक है, आपका फोकस वापस उन पर आ जाए, ऐसा कुछ वो कर सकते हैं इन दिनों। सो आपको इस चीज से बचकर रहना है कि उनका कोई भी अगर आपको एक्शन देखने को मिलता है आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि इनका जो भी एक्शन होगा ना वो बहुत ही सोचा समझा एक्शन होगा और उनके उस एक्शन से आप बहुत हर्ट महसूस करने वाले हो, ठीक है, एंड तो आपको हर्ट भी फील नहीं करना है, आपको अपना इस तरीके से ही आपको शो करना है, इसी तरीके से आपको प्रिटेंड करना है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपने प्रिटेंड करना है, ठीक है। तो उनके माइंड गेम को अब सक्सेसफुल करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में, ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया यहाँ पर, अब ये चीज आपके हाथ में है कि आपने उस उनके माइंड गेम को कितना सक्सेसफुल करना है। अगर आप रिएक्शन दे दोगे तो उनका माइंड गेम सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर आप उनको कोई रिएक्शन नहीं दोगे, आप प्रिटेंड करोगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कितनी थर्ड पार्टी के साथ चले जाओ, कितने मल्टीपल ऑप्शन हो तुम्हारे पास, तो उनका वो प्लान अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें आपके हाथ में है, ओके, सो ऑल ओवर व्हाट आई कैन सी आपके पार्टनर अपने, और ये क्यों करेंगे, वो यहाँ पर आप देख रहे हो ना किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्यों कर रहे हैं ये, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, इनको अपनी ये ना इज ये पार्टनर इज लाइक अ वैम्पायर, होते हैं ना कि आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी खुशियों को सक करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, और यस, सो ये अपनी ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज राइट लिटरली ट्राइंग टू बूस्ट देयर ईगो, ये अपनी ईगो को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। ईगो को कैसे बूस्ट करते हैं नार्सिस्ट लोग, ये पर्सन कैन बी अ नार्सिस्ट, और अपनी ईगो को कैसे बूस्ट करते हैं ये नार्सिस्ट लोग, ये ईगो को बूस्ट करते हैं सामने वाले को छोटा महसूस करवाकर, सामने वाले पर सारे ब्लेम्स डालकर, सामने वाले को दुखी परेशान कर इरिटेट कर, ठीक है, सामने वाले को अपने लिए तरसा कर, ठीक है, और हर टाइम उसके लिए अवेलेबल ना रहना। तो दीज ऑल आर द नार्सिस्ट, ठीक है, इस तरीके से नार्सिस्ट होते हैं, और आपके पार्टनर उन सब में से हैं। वो अपनी ईगो को बूस्ट कर रहे हैं आपको छोटा महसूस करवाकर, वो अपनी ईगो को बूस्ट करते हैं आप पर ब्लेम डालकर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी उनकी ईगो को यू फीड नहीं करना है, ठीक है ना। आप अब द बेस्ट पॉइंट जो मैं आपकी यहां पर देख रही हूँ ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी आप फोकस कर रहे हो अपने सेल्फ लव पर, फोकस कर रहे हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, विच इज वेरी गुड, जो आपको करना भी चाहिए, आपको अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर किसी से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्यार का पहला पड़ाव क्या होता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार का पहला पड़ाव क्या होता है,
पहले हमें खुद से प्यार होना चाहिए, ठीक है। जब आप किसी रिलेशनशिप में हो ना और उस रिलेशनशिप में आपको खुद ही से प्यार नहीं है, आप खुद ही को भूल बैठे हो ना, तो फिर वो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक ना एक टाइम बाद वो रिलेशनशिप आपको हर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो आपने कहाँ फोकस करना है, पहले आपने सेल्फ लव पर फोकस करना है। और किसी ने अगर आपसे प्यार कोई करता है ना, सच में कोई आपसे प्यार करता है ना, ठीक है, तो वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपकी आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड को वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपके अंदर वो सेल्फ लव है ही नहीं, ठीक है, अगर आप खुद ही से प्यार नहीं करते हो ना, तो फिर ये भी आप समझ लो कि फिर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली जरूरत यही है कि आपने खुद से प्यार करना है, ओके, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस देना है। ओके, सो हाई प्रिस्टेस इज ऑल ओवर देयर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर पर्टिकुलरली मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर चीजें आपके फेवर में आ रही हैं, ठीक है। आपने अपनी गट फीलिंग्स की सुननी है, ठीक है, आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी साइकिक पावर की सुननी है, ओके, और अपने ऊपर फोकस करना है। यही गाइडेंस आपके लिए यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। गाइस वन सेकेंड, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिबेल, ठीक है। चलिए प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइडेंस। फाइन, कंप्लीशन, सप्रेशन, ब्यूटिफुल, ओके, लेजीनेस, ओके, थंडरबोल्ट, फ्लावरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बॉटम में यहां पर एग्जॉस्टन है, ओके। चलिए, यू नो द बेस्ट थिंग इज आप अपनी सेल्फ वर्थ अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। आप क्या हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या प्यार डिजर्व करते हो, यू नो इट वेरी वेल। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो, अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर किसी के सामने आप अपनी इच्छाओं को, अपनी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। आप क्या चाहते हो वो आपके लिए प्रायोरिटी बन चुका है, रादर दैन कि कोई और क्या चाहता है, ठीक है, रादर दैन के सामने वाला पर्सन क्या चाहता है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, विच इज वेरी गुड। एंड यही चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आंखों में खटक भी रही है, ठीक है। उन्हें उन्हें नहीं पसंद आ रहा कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ठीक है। लिटरली उस पर्सन को बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं हो रहा है आपको इंडिपेंडेंट देखते हुए, आपको ट्रांसफॉर्म होते देखते हुए, एंड उन्हें बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर अब आप इनसे सारी कॉर्ड्स कट कर देना चाहते हो, ठीक है, एंड अब आप इन्हें याद भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको ना ऐसा लगने लगा है कि अब आपको अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरुआत करनी है, ठीक है। अब आप किसी एक पर्सन के साथ हमेशा के लिए स्टक नहीं रह सकते हो। आपने इस शख्स के लिए बहुत कुछ करा, बहुत कुछ मतलब एकदम उतने के एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हद से ज्यादा आपने इस शख्स के लिए करा, एंड आपको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मतलब आपको कुछ मिला ही नहीं, कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिला। और अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर मैरिड है, कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, तो आप अच्छे से जानते हो कि थर्ड पार्टी को ये छोड़ेंगे तो है नहीं, ठीक है। अगर इनकी कोई वाइफ हस्बैंड है तो उन्हें ये छोड़ेंगे है नहीं, और थर्ड पार्टी इतने आसानी से हटने वाली है नहीं। तो यू आर टोटली इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप इनके पीछे ना आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है, बर्बाद नहीं करनी है, तो अब आप आगे मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेलापन है या लोनलीनेस है, ठीक है। सो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते हो, आप कोई एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हो जहां पर आपको लॉन्ग टर्म लव भी मिले, कमिटमेंट भी मिले, जिससे आप शादी भी कर सको, ठीक है, और जो आपके सारे सपने पूरे कर सके, जो आपको दिल खोलकर प्यार दे सके, और जिसके सामने आप दिल खोलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, लेकिन यू आर फाइंडिंग अ राइट पर्सन कि कहां पर आपको उन इमोशंस को देना है, ठीक है, कहां पर आपको उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। तो मे बी यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू, आप अपने लिए एक सही पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ओके, एंड यू आर नाउ ओपन एंड रिसीविंग द लव, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। ये सबसे बेस्ट चीज है कि आप ओपन हो लव के लिए, आप रिसीव कर रहे हो लव, ठीक है। आपने रिसीव करना शुरू कर दिया है लव, ठीक है, अपने नॉट विद अ पर्सन बट
फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आप लव को रिसीव करने लग गए और आपको वैसे इंट्यूशन आ रही है कि हाँ आपका हर्ट चक्र जैसे अब ओपन हो चुका है एंड अब लव आपकी तरफ आ रहा है, और बहुत जल्दी देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अब आप फिर से या तो इसी पर्सन से, अगर ये पर्सन अनमैरिड है, ठीक है, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस है, दोनों में से कौन सी आपके साथ रेजोनेट कर रही है आपने वो देखना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं या तो यही पर्सन आपकी लाइफ में री एंट्री ले सकता है अगर ये आपका सोलमेट है और आप इस चीज को लेकर बिल्कुल कंफर्म हो कि ये आपके सोलमेट है, ठीक है, इस चीज का कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ये पर्सन, ठीक है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। अगर ऐसा है ना कि ये एक डिवाइन पर्सन है आपकी लाइफ के, अनमैरिड है एंड यस, ये अगर कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि अगर ये पर्सन, देखो जो मुझे यहाँ रीडिंग में नजर आ रहा है मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ एंड मैं कोई मतलब वो चीज नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुझे सब कुछ सिर्फ सही सही अच्छा अच्छा ही बोलना है, नहीं, मैं वो चीज नहीं करती हूँ यहाँ पर, मुझे जो कार्ड्स में दिखता है मैं वो चीज यहाँ पर आपको बता रही हूँ। एंड इट इज स्ट्रांगली दैट एनर्जी कि अगर ये पर्सन आप पूरे तरीके से श्योर हो कि आपके सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो फिर ये पर्सन दोबारा री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके सिर्फ कार्मिक पार्टनर है तो यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो चुका है एंड फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में हट जाएंगे और कोई नया पर्सन अब आपकी लाइफ में एंटर ले सकता है, ठीक है, जो कि आपका सोलमेट आपको ट्विन फ्लेम होगा। तो दीज आर द टू चीज, ये टू थिंग्स है, ठीक है, जो इसमें से आपके लिए है आप उसे रख सकते हो। और सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए आपको कन्फर्म होना चाहिए कि वो पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, गेटिंग मी, ठीक है, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके सिर्फ कार्मिक पर्सन थे, सिर्फ कार्मिक पार्टनर थे, तो यहाँ पर मे बी मैं बहुत लोगों की लाइक एंडिंग भी देख रही हूँ, ठीक है, कि अगर ये कार्मिक पार्टनर था ना तो यहाँ पर कर्मा एंड हो चुका है, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो दैट साइन, ठीक है, और कर्मा से ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर ये सोलमेट ट्विन फ्लेम है, आपके डिवाइन पर्सन है, तो ही ये पर्सन दोबारा री एंट्री लेंगे, ठीक है, तो आपको स्टक नहीं रहना है किसी भी चीज में, ठीक है। और ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आप ये आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी हम देखेंगे। तो ये आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है ना, उससे आपको कहीं ना कहीं 1 वीक के अंदर आपको कोई साइन मिल जाएगा, ठीक है, मे बी विद इन अ 1 वीक आपको कोई ना कोई साइन मिल जाएगा, 1 वीक से लेकर 9 डेज के अंदर कहीं से भी कुछ भी साइन मिल जाएगा। आपके साइकिक इंट्यूशंस आपको बताएंगी, आपको एंजल्स नंबर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, इनका नाम आपको बार बार सुनाई देने लगेगा, ठीक है, ये आपको मतलब अगर आप सेम ऑफिस या सेम वर्क प्लेस में नहीं भी हो तो भी ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है, या इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाएगा जो कि बहुत शॉकिंग होगा आपके लिए। तो अगर कोई ऐसा साइन आपको मिलता है, ठीक है, देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस, अगर 9 डेज में आपको कोई ऐसा साइन मिल जाता है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके सोल में ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा साइन नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है कि अगर आपको कोई ऐसा साइन नहीं मिल रहा है तो फिर यानी ये पर्सन आपके, देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि फिर वो आपके कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। और अगर आपने रीडिंग्स भी करवाई होंगी तो भी आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि आपके सोल में ट्विन फ्लेम है या आपके कार्मिक पार्टनर है या नहीं है, ठीक है, तो वो भी चीज कहीं ना कहीं आपको मालूम होगी, ठीक है, तो उससे भी आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड होते हुए देख रही हूँ और सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स को फिर से रीयूनियन और रिकंसिलेशन में आते हुए देख रही हूँ, दैट इज देयर एनर्जी, ठीक है, ओके। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पर चेक करते हैं तो ये पार्टनर इज राइट नाउ इन अ सप्रेशन, यानी वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, वो थर्ड पर्सन के साथ है, वो थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, लेकिन सोच आपके बारे में रहे हैं, इमेजिनेशन में सिर्फ आप हो, दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हो, खुश नहीं है वो थर्ड पार्टी के साथ, ओके, और वो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, एट एनी हाउ ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, और इन्हें आपकी वैल्यू, सिर्फ आपको ही अपनी वर्थ समझ में नहीं आई है। देखो अब आपका फोकस तो अपने करियर पर है, अपनी हेल्थ पर है, ठीक है, अपनी फैमिली पर है, लेकिन आपका पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है, आपका फोकस नहीं है इस समय इतना पार्टनर के ऊपर अपने, ठीक है, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में हो, आप अपने आप को ग्रो करने में हो इस समय, ठीक है, एंड आप बहुत अच्छा कर भी रहे हो इवन दो अपने करियर में, बट यू नो व्हाट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस जहां पर अब आपके पार्टनर जो है ना उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, वो कोई एक्शन लेना चाहते, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, ठीक है, जिससे उन्हें आपका रिएक्शन मिले, वो आपका रिएक्शन देखकर ना वो इस चीज को कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन आज भी मुझे प्यार करता है, ठीक है, वो उन्हें आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है ना, उन्हें आपकी तरफ से कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल अपसेट हो गए, दुखी हो गए कि उन्हें आपकी तरफ से कोई एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है, आप ना उदास दिख रहे हो, आप उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपसे टोटली डिटैच हो चुके हैं वो,
तो वो बिल्कुल परेशान है इस चीज से कि आपकी तरफ से कोई एनर्जी क्यों नहीं आ रही है उन्हें, और उन्हें आदत थी, आप उन्हें एनर्जी दे रहे थे, आप उन्हें ताकत दे रहे थे, ठीक है, अपने उनकी ईगो को फीड कर रहे थे अभी तक, यू नो, और अब क्या हो रहा है, अब उनकी ईगो को कौन फीड करेगा, कोई नहीं, है ना। क्यों आप क्यों ऐसा कर रहे थे कि यू आर ट्रूली इन लव विद दिस पर्सन, आप ट्रूली लव में थे इनके साथ, तो आप ये चीज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सो द फर्स्ट वन इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन, वेरी नाइस। फोर ऑफ कप्स, सेम एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, ओके, एम्प्रेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। यू नो, आपने इन्हें ना बहुत ज्यादा सर चढ़ा लिया था, यू नो, आपने इनकी वो होता ना कि किसी की इतनी तारीफ करो, इतनी हर बात मानो, तो क्या होता ना कि वो पर्सन सर पे चढ़ जाता है बिल्कुल, राइट। सो सॉरी, सो कहीं ना कहीं आपने ना इन्हें सर पे चढ़ा लिया था, ये अपने आप को ऐसे समझने लग गए थे कि भाई मैं तो कोई रानी हूं या कोई राजा हूं, ठीक है, जिसकी जो जिस लोग चेज कर रहे हैं और जिसे मतलब बहुत अटेंशन मिल रही है, और आपके पार्टनर हैं अटेंशन सीकर हैं वो पूरे तरीके से, ठीक है, वो अटेंशन ग्रैब करते हैं आपकी, ठीक है, आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप की ना ईगो ही उन्होंने बूस्ट कर ली थी, एंड योर पार्टनर वॉज इन दैट एनर्जी जहां पर वो अपने आप को राजा या रानी की तरह मान रहे थे, ठीक है, और अब क्या हो रहा है ना, अब वो वापस जमीन पर आ रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ गया कि वो कोई राजा रानी नहीं है, वो वापस जमीन पर आ रहे हैं, वो ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो तो आप जो कुछ भी उनके लिए कर रहे थे, जो भी आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी हर बात मान रहे थे, वो इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत स्पेशल पर्सन है, नहीं, इसलिए नहीं कि वो कोई स्पेशल पर्सन है, ठीक है, तो वो वापस जमीन पर आ रहे हैं, उनका घमंड टूट रहा है, घमंड, उनकी ईगो जो अभी तक बहुत बूस्ट हो रही थी ना, ग्राउंडिंग आ रही है उनके अंदर, दैट इज द थिंग। लिटरली उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है, यहाँ पर भी आप एनर्जी देखोगे ना, रातों की नींदें ऐसी उड़ी पड़ी है इस शख्स की कि ये पर्सन को ना दिन रात सोते जागते आपका ख्याल आ रहा है। यू नो, आपने कभी ये चीज देखी होगी कि आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी या नहीं, और पता नहीं मुझे ये वीडियो में बोलना चाहिए भी या नहीं, मुझे नहीं पता, बट इट इज दैट ऑल्सो एनर्जी जहां पर हम नेगेटिव एनर्जी ना बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है ना, वो बहुत धीरे धीरे फैलती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी से आपको नफरत है तो आप उसकी नफरत आप भुला नहीं सकते हो, लेकिन अगर किसी से आपको प्यार है ना, फिर एक पर्सन को भूल जाओगे उस शख्स से, लेकिन जिससे आपको नफरत है ना, ठीक है, आप उसे नहीं भुला सकते, इज इट ट्रू, है ना, जिससे आपको नफरत है ना वो 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहेगा, आप उसके लिए क्लेम, आप उसको कंप्लेन करते रहोगे, आप उसके बारे में ब्लेम करते रहोगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं होती है, ठीक है, और नफरत और प्यार दोनों ही सिक्के का ना एक पहलू होता है, ठीक है, और अब पर्सन है ना, और नफरत भी हम उसी से करते हैं जिससे हम सच में प्यार करते हो, है ना, और अब आपके पार्टनर की क्या है ना, अब उनको आपसे प्यार तो बहुत है, ठीक है, मिस भी आपको बहुत ज्यादा करते हैं ये पर्सन, ठीक है, अब जिससे उन्हें प्यार है, अब आपने क्या करा, उनकी बात को नहीं माना, आपने उनकी ईगो को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने उनकी अकड़ को प्रायोरिटी नहीं दी अब, ठीक है, तो क्या है, उनको आपसे ना धीरे धीरे थोड़ी नफरत होने लग गई। क्यों नफरत होने लग गई? क्योंकि वो प्यार था, ठीक है, थोड़ा प्यार था, जो प्यार नफरत में थोड़ा कन्वर्ट हुआ, ठीक है, अब ये नफरत क्यों है? ये नफरत उन्हें नहीं है, ये नफरत है उनकी ईगो को, नफरत इस चीज की है कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, नफरत इस चीज की है कि आप उनकी ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे हो, आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, नफरत उन्हें इस चीज से है, ठीक है, वैसे नफरत नहीं है, और जिस दिन उनकी आंखों से ये ईगो का ईगो की जो पट्टी है, ये जो एटीट्यूड की पट्टी है, जिस दिन ये पट्टी हट जाएगी ना उनकी आंखों से, उस दिन वो आपके प्यार को समझेंगे, उस दिन वो आपको आपके प्यार की प्योरिटी को देख पाएंगे, गेटिंग मी?
तो यही एनर्जी यहाँ पर है। जहां पर ये शख्स अभी तो आपको खुश देख रहा है तो आपको दुखी हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि इनको ईगो को बूस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आप इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्हें ये चीज समझनी होगी कि हर कि आप एक नॉ एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हो, जिसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, जिसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। वो उस चीज को समझ पाएंगे, और जब उन्हें ये चीज समझ में आ जाएगी ना, वो खुद दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। अभी तो उनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है, अभी तो वो बिल्कुल आपके बारे में सोचे जा रही है, यार ये चेज क्यों नहीं कर रही है, ये कहाँ चली गई, कोई और किसी और को तो डेट नहीं कर रही है। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज, ये उनकी एनर्जी है इस समय, राइट। चलो और भी चेकआउट करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये, बहुत ज्यादा। ओके, सो प्लीज डिफाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, प्लीज डिफाइन बताएं। यहां पर है म्यूजिक, ट्रैवल, क्रॉसरोड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्रेकअप, लेऑफ, ओके, स्नेक, फाइन, एंड फैमिली। आप देख रहे हो यहां पर ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है प्लेयर की एनर्जी में थे पास में, ठीक है। अगर ये आपके पास आए भी थे ना, तो सिर्फ आपके पास एक कैजुअल रिलेशनशिप सोच कर आए थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आपसे शादी करेंगे, कमिटमेंट होगी रिलेशनशिप में, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचना, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचना, उन्होंने ये चीजें कभी नहीं सोची थी। आपके पास अगर वो आए भी थे तो वो सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप को लेकर आपके पास आए थे, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा इमोशनल बॉन्ड उनका क्रिएट हो जाएगा कि कल को आपसे डिटैच होने में उनको इतनी परेशानी होने वाली है, ठीक है, आपसे डिटैच होने में। तो और डिटैच भी ये खुद हुए, दूरी भी इन्होंने खुद बनाई है, लेकिन दूर होने के बाद कहीं ना कहीं इनको समझ में आया कि ये आपसे दूर तो हो ही नहीं सकते, ये आपसे अलग तो हो ही नहीं सकते, यू नो। और आप अगर वाकई में एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होना, तो आप स्पिरिचुअली भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके साथ है, ठीक है। आप लोगों का कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में चाहे आप लोग कनेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन ऊपर उस 3D वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है, ठीक है। ये कितनी चलाकियां कर ले, कितने ही सांप बन ले स्नेक की तरह, कितनी चलाकियां कर ले, माइंड गेम्स खेल ले, ठीक है, लेकिन डेस्टिनी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है ना, तो फिर कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, यू नो। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ये आपको याद करते हुए कुछ गाने सुन रहे हैं, कुछ म्यूजिक, ठीक है, जो इनको खुशी दे रहे हैं, जो इनको सुकून दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये गाने सुनते हुए भी आपको इमेजिन करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन ट्रैवल कर आपके पास आना चाहते हैं, और क्रॉस रोड की एनर्जी भी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं ये पर्सन डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इनके नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए, और बहुत जल्दी ये क्लैरिटी भी में ही आएंगे। जब ये क्लैरिटी में आएंगे तो जाकर कहीं ना कहीं चीजें इंप्रूव होंगी, सही होंगी, ठीक है। तो क्लैरिटी में आना भी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। और जिस दिन ये क्लैरिटी में आएंगे ना, उस दिन ये आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, अपनी फैमिली के सामने चाहे इन्हें स्टैंड लेना पड़े, दुनिया वालों के सामने इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, एंड बट ये लेंगे। यू बोथ रियली बिलोंग्स टू अ सेम सोल फैमिली, आप सेम सोल फैमिली पे से साथ बिलोंग करते हो, ठीक है। एंड तभी तो आपकी कमिटमेंट, आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि आप हो सेम सोल फैमिली के, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ से आप कनेक्टेड हो, राइट। तभी तो एक दूसरे के लिए आपको इतना स्ट्रॉन्ग, अजनबी थे यहां पर आप दोनों की ऐसी एनर्जी है जहां पर आप दोनों बिल्कुल अजनबी थे एक टाइम पर, यू नो, और एकदम से बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग इमोशनल बॉन्ड कि अब चाह कर भी आप अलग नहीं हो पा रहे हो, यू नो। Why? Because आप हो सेम सोल फैमिली से, ठीक है, और सोल एक सोल दूसरी सोल को ढूंढ ही लेती है, और वही चीज आपके साथ हो रही है, got it? चलो कुछ analyze love messages देखते हैं।
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ अनलाइज लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए दे। इन्हें आपकी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग एवरीथिंग। इन्हें पता है कि आप इन्हें मिस करते हो, आप इन्हें भूल नहीं सकते हो, एंड आप आपके सपने देखते हैं जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं, इन्हें आप ही आप नजर आते हो, ये आपको टच करना चाहते हैं, ये हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने में, ठीक है। इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें सुनोगे या नहीं सुनोगे। इस कनेक्शन से उनको दिल से खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस मिलती है। पहली और आखिरी चीज इनके दिल दिमाग में आता है वो है आपका नाम, और ये आपके पिक्चर्स को भी किस करते हैं, बहुत रोमांटिक महसूस करते हैं ये आपको लेकर, और इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप भी इनको लेकर बहुत रोमांटिक महसूस करते हो, यू नो, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। सो गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा आज गला खराब था, पता नहीं मेरी आवाज कैसी रिकॉर्ड हुई है यहाँ पर, एंड आई थिंक सो बड़ी मेहनत से मैंने ये रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर करिएगा, एंड क्लेम जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर।